एडवांस जार्विस प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल का ये पार्ट 4 है। इस ट्यूटोरियल में हम जार्विस को थोड़ा सा और एडवांस बनाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं कैमरा पे। तो मैं आपको लाइन बाय लाइन कोड तो समझाने वाला हूँ नहीं। अगर आपको बेसिक पाइथन पता है तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको बेसिक पाइथन पता नहीं है तो मैं जितना भी समझा दूं आप समझने वाले हो नहीं। तो मैं उतना ही बताऊंगा जिससे आप बस इस कोड को एडिट कर सकते हो एंड अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने जार्विस को कमांड दिया है, अगर क्यूरी में ओपन कैमरा इंक्लूड रहता है तो जार्विस क्या करेगा, CV2 एक मॉड्यूल होता है जिसको आपको इंपोर्ट करवाना है। इसके देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करवाया CV2। CV2 यूज करने के लिए pip install opencv लिख के आपको opencv इंस्टॉल करना होगा। अभी CV2 की मदद से वीडियो कैप्चर फंक्शन को रन करवाया। और एक हाँ, एक बात मैं बता देता हूँ, पिछले ट्यूटोरियल में जब हम म्यूजिक प्ले कर रहे थे तो हमने एक रैंडम यूज किया था। ये एक रैंडम एक मॉड्यूल है, हमने रैंडम मॉड्यूल का यूज किया था। इंपोर्ट करना होगा, वो मैं दिखाना भूल गया था। तो आपको क्या करना है, अगर आप वो प्ले म्यूजिक यूज कर रहे हो एंड रैंडम मॉड्यूल यूज कर रहे हो तो आपको इसको इंपोर्ट कर लेना है। नहीं तो आप हर बार जब प्ले म्यूजिक प्ले करोगे, मतलब जार्विस को बोलोगे कि प्ले म्यूजिक, तो जार्विस ब्रेक होके आ जाएगा, मतलब जार्विस खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे अगर गो टू स्लीप क्यूडी में इंक्लूड होता है तो ये एलिफ फंक्शन सेटिस्फाई हो जाएगा एंड ये दो कोड रन होगा। जैसे मैंने स्पीक पे यहाँ पे लिखा है कि ऑलराइट देन आई एम स्विचिंग ऑफ, आप यहाँ पे और कुछ लिख सकते हो। एंड देन हमने यहाँ पे sys.exit यूज किया है एंड आपको ये sys जो होता है इसको आपको ये सिस्टम मॉड्यूल को इम्पोर्ट करवाना है। ऐसे इम्पोर्ट स्पेस देके SOS देन एंटर देना है तो आपका SOS इंपोर्ट हो जाएगा। चलो मैं ये आपको दिखा देता हूँ। गुड मॉर्निंग, रेडी टू कंप्लाई, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? ओपन कैमरा, जैसे कि आप देख सकते हो कि कैमरा इसने ऑन कर दिया, लेकिन आप अगर यहाँ पे क्लोज करने जाओगे तो ये क्लोज नहीं होगा। इसके लिए आपको एस्केप बटन को दबाना पड़ेगा। कंप्यूटर में एस्केप बटन दबाओगे तो आपका ये क्लोज हो जाएगा। अभी यहाँ पे आते हैं स्क्रीनशॉट फंक्शन में। यहाँ पे हमने पायोटो GUI का यूज किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल को यूज करके हम बहुत कुछ करने वाले हैं फ्यूचर में। इस मॉड्यूल को यूज करके आप अपना माउस, कीबोर्ड एंड बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हो एंड इसका पॉसिबिलिटी अनलिमिटेड है। आप पूरा डेस्कटॉप कंट्रोल कर सकते हो एंड बहुत ही इनसेन चीजें कर सकते हो, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। एंड देन यहाँ पे आता है कैलकुलेट, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पे हमने उल्फा मल्फा यहाँ पे बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी हो सकता है कैलकुलेट करने के, लेकिन हम जब ये प्लस माइनस हम यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए हम कोई एक्सटर्नल मॉड्यूल का यूज नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिंपल जो पाइथन का प्लस माइनस का कोड होता है वो यूज किया है, जो कि एकदम बेसिक है। आप अगर पाइथन सीख रहे हो तो आपको 2-3 क्लास के बाद आपको यही सिखाया जाता है कि आप हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं पाइथन में। तो इसको मैं नहीं बताने वाला, ये पूरा एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, कोई लाइन समझ नहीं आता है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देन आते हैं आईपी एड्रेस, हमने यहाँ पे स्पीक करवाया पहले चेकिंग, देन यहाँ पे आईपी एड्रेस नाम का एक वेरिएबल बनाया, देन इसको यहाँ पे डिफाइन किया है। यहाँ पे एक वेबसाइट का एड्रेस दिया है जहाँ से वो हमारा आईपी एड्रेस एक्सट्रैक्ट करेगा एंड देन प्रिंट करवा देगा एंड देन यहाँ पे स्पीक फंक्शन के थ्रू को पता भी देगा। एंड अगर ये वेबसाइट कभी डाउन रहता है या फिर ये वेबसाइट एक्सेस करने में जार्विस को कोई प्रॉब्लम होता है तो जार्विस ब्रेक ना हो, मतलब जार्विस स्टॉप ना हो जाए, इसीलिए हमने यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्शन का यूज किया है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो ये सिंपली आपको बोल देगा कि नेटवर्क इज वीक, प्लीज ट्राई अगेन समटाइम लेटर। मतलब आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो, आई कैन नॉट गेट योर आईपी एड्रेस राइट नाउ, ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हो। देन आते हैं कि वॉल्यूम अप एंड डाउन, तो मैंने यहाँ पे इतना बार क्यों लिखा है मैं आपको बता देता हूँ कि चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको। हमने पायोटो जीआई को इंपोर्ट कर लिया है, देन इसको कॉपी कर लेते हैं। अगर हम इसको रन कराएंगे
तो एकदम 100% ही है, तो डाउन को रन कराते हैं तब देख सकते हो कि 2 माइनस हुआ, मतलब डाउन कितना हुआ, 2 डाउन हुआ। तो हम अभी अगर जार्विस को कहते हैं कि जार्विस वॉल्यूम डाउन, जार्विस क्या करेगा, 2 डाउन करेगा, कोई डिफरेंस हमें फील भी नहीं होगा। इसलिए मैंने किया है 10 times कॉपी कर दिया, तो इससे क्या होगा 30 वॉल्यूम डाउन हो जाएगा। हम जब वॉल्यूम डाउन करते हैं, हम 20 से 30 डाउन करते हैं, तभी हम जाके कुछ फील कर सकते हैं। हम कोई मूवी लाउड में देख रहे हैं एंड हमें साउंड घटाने का ज़रूरत पड़ा, तो हम क्या करते हैं, मिनिमम 30 डाउन करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 15 times कॉपी किया है। आप इसको और भी कर सकते हो या फिर आप कम कर सकते हो कि मैं 10 times कर रहा हूँ, तो इससे आपको क्या होगा 20 माइनस होगा आपका वॉल्यूम। उसके बाद यहाँ पे म्यूट है। तो पाई ऑटो GUI जनरली करता क्या है, पाई ऑटो GUI के मदद से हम कोई भी की को प्रेस करवा सकते हैं। जैसे हम देख सकते प्ले वॉल्यूम अप, वॉल्यूम अप की को ये प्रेस करवा रहा है, तो ये 15 times प्रेस करवा रहा है। एंड यहाँ पे जो म्यूट होता है, तो इसको हम अनम्यूट भी इसको ऐड कर देते हैं, मतलब अगर हम कहेंगे कि म्यूट तो वो वॉल्यूम म्यूट बटन प्रेस करेगा, और अनम्यूट कहेंगे फिर भी वॉल्यूम म्यूट बटन प्रेस करेगा। मतलब अगर आपका सिस्टम म्यूट होता है तो आप अगर अनम्यूट कहते हो तो वो आपका सिस्टम अनम्यूट करेगा, लेकिन अगर आपका सिस्टम ऑलरेडी अनम्यूटेड है, मतलब आपका सिस्टम में साउंड प्ले हो रहा है और तभी आप कहते हो कि अनम्यूट, तो तब भी ये आपको म्यूट ही करवा के देगा। ये बस ये बटन प्रेस करता है, इससे क्या होता है, क्या आप क्या बोल रहे हो, उसका लॉजिक ये कुछ समझेगा नहीं, बस ये बटन प्रेस कर देगा। अगर ये जो क्वेरी में जो हम लिखा हुआ आ रहा है, ये जो एक स्टेटमेंट है, ये अगर सेटिस्फाई हो जाता है, वॉल्यूम म्यूट बटन प्रेस करवा देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब लाऊं आपको एक नोटिफिकेशन मिले।